भाई देख रहे हो भाई रिएक्शन, रिएक्शन देखो भाई, भाई फैमिली के रिएक्शन देखो, उनकी मम्मा के भी रिएक्शन देखो, दोनों बच्चों के रिएक्शन देखो, स्कॉर्पियो मास क्या बात है भाई। तो अब उसको फोटो भी चाहिए भाई, क्या बात है भाई मेरी जान। तो जी ये देखो एक और रिएक्शन, क्या बात है, एक पे रिएक्शन आ रहा है उसको। ए क्या बात है, गाँव से अंकल आए रिएक्शन देखने, रिएक्शन मिल रहे हैं। तो भाई लोगों चल रहे हैं अभी GFR, GFR चलते भाई पाजा का लीन का, मतलब कि आज के जो साथ के बंदे हैं वो सारे तगड़े राइडर्स हैं, क्योंकि भाई जैसे मैं ऑलरेडी राइड करता हूँ, उनका मन अगर GFR चलने का तो हम जा रहे हैं GFR। GFR आपको मतलब तो क्या है, GFR में दो तीन पैराडाइज, एक है पैराडाइज कैफ़े, एक है बर्नआउट कैफ़े और एक है छोटल शोटल। तो भाई यहाँ डेस्टिनेशन है जो बाइकर्स ऑलरेडी, तो हम लोग यहीं जाते हैं, तो आज यहीं जा रहे हैं किसी लेक में। और भाई राइड को बताना कि क्या मज़ा आया, क्या मज़ा नहीं आया। तो भाई देखो जो कैप्चर कर सकते वो कैप्चर करेंगे, और आज चल रहे हैं आज के ब्लॉग में बताने वाला आप सभी लोगों को। तो अभी वही चल रहे हैं, पहला फर्स्ट मीटिंग पॉइंट हमारा है एम्बियंस मॉल पर, जहाँ पर सारे के सारे अपने भाई लोग मिलेंगे, और टेन थ्री वही से वही कंटिन्यू कर देंगे आज का ब्लॉग। और भाई लास्ट ब्लॉग कैसा लगा, जो पुलिस वाले के साथ हो गया था इंसिडेंट, बेसिकली वो इंसिडेंट हो गया था चलते चलते, बहुत तगड़ा चीज़ होता। बट अभी मैं इस ब्लॉग के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ से भी चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने साथ, दो तीन बाइक ओवर हैं अभी आगे चल रही है हमारा KTM RC390। और भाई आज ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना थोड़ा हैंडलिंग बबलिंग बबल मार रहा है, बस ये दिक्कत लग रही है कि यार हैंडल में ना ज़्यादा मुझे दिक्कत है, या मुझे लग रहा है क्या ना मैं अलाइनमेंट की दिक्कत आ रही है, या लगता है कि टायर प्रेशर ज़्यादा है, तो टायर प्रेशर अभी देखता हूँ कम करूँगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है बबल मार रही थी। तो भाई अभी चल रहे हैं आगे एम्बियंस मॉल, भाई अपने सारे भाई लोग मिलेंगे, तो जी चल रहे हैं ठीक है, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे दोबारा अगर आपसे मिलेंगे। और इसकी ब्लॉग में भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला, बहुत मज़े देखो क्या क्या देखते थे, लीन मारते हुए लौंडे मिलेंगे अपने, फिर बड़े लौंडे दिल्ली के सारे के सारे भाई ज़रा चले रहे हैं, एम आ चुके हैं तो अपने सीन टेरी तेरी भाई भाई बच गया भाई, अभी तो बहुत बड़ा गड्ढा था भाई, भाई अभी तो हो जाता काम, अभी गड्ढे में बच गया हो जाता काम। मैं अपना माइक लगाने में लग गया, इतने में बूम तो भाई लाइनअप चेक करो सुबह सुबह, और लाइनअप देखो अपनी बाइक और KTM ड्यूक और भाई 310 और KTM 390, और वो भी फुल लोडेड, वन ऑफ दी भाई इंडिया की फुल लोडेड है अपनी ये कॉन्टिनेंटल GT इकरा, भाई ने बहुत कुछ करा रखा है इस पर, ख़तरनाक एग्जॉस देखो आप, एग्जॉस से छोड़ गया और उस पर भी KTM वाली 390 पर तो ख़तरनाक हुआ पड़ा है। यहाँ से यहीं से निकलने वाले और खतरनाक राइड यहीं से होने वाली स्टार्ट, भाई फुली लोडेड हुई पड़ी है खतरनाक, पूरी लाइनअप में आप देख सकते हो, तो यहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से, और पूरी ब्लॉग में खैचम खैच निकलेंगे अभी, रेडी हो गए दोबारा निकलने के लिए और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी देख रहे हो भाई लॉन्डे हो गए अभी से ही पागल, और फ्लाई वाइल दे रहे भाई GT वाले भाई की अपने भाई के साथ है, और दीदी तो भाई पहले से तैयार हो जाता है, तरफ से खैचू हो गए खैचू भाई, तू खैच इतनी खैचे तो खोलते इधर 390 नहीं से 495 करते जो मर्जी करते उसे 200 पार करते, और बता भाई तो उसकी 200 स्पीड अलग बढ़ा दे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि भाई ये बंदा हाइपर रहता है हर समय हाइपर कि भाई वो बस पकानी पकानी है। अरे भाई पीछे भी देखिए साथ भाई साहब चल रहे हैं, और हम साथ भाई दूसरे को चलते कि भाई हम प्रॉपर गेयर से नहीं होते, होते हैं बट प्रॉपर अपने गेयर से नहीं होते, वो पूरे प्रॉपर गेयर से होता है भाई, क्योंकि भाई आपको पता है अब देखो अभी क्योंकि लेन वगैरह मार रहे थे सारे लोंडे, वैसे लेन वगैरह तो सब लेन लगा स्टार्ट हो गई,
क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी, हम पैड वगैरह कैसे जा रहे हैं, वी लोंडे तो सारे कड़क है अपने की भाई, ये तो बात है। अगर वी लोंडे तो भागते हैं तो सारे खतरनाक भागते हैं, इतनी खतरनाक भागते हैं सब, मजा आता है देखने में। बस ये होता है कि भाई एग्जॉस्ट साउंड सुनो, एग्जॉस्ट साउंड बस ये सुनते जाओ भाई। आई थिंक ये तो बच्चे मिल गए, क्या बात है आज दो भाई सामने बच्चे, बस भाई यही है डे बन जाता था बच्चों के फेस पे स्माइल। और हो भाई इनकी मम्मा भी स्माइल कर रही है भाई, क्या बात है भाई। और हो आगे से भी एक और स्कॉर्पियो में भाई, क्या बात है किड्स भाई, किड्स के फेस पे स्माइल। ओ भाई फोटो सेशन चल रहा है, देखो फोटो सेशन भाई, देखो फोटो सेशन भाई, कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो भाई। लो भाई एक पोज भी देता हूँ, और बताओ विक्ट्री का पोज देता हूँ, लो जी खुश, चलो अब निकलते हैं। तो भाई बच्चों के फेस में स्माइल, और बच्चों को जब मिल जाते हैं ना बच्चे, तब देखते हुए भाई बच्चों की, यार हम भी किसी टाइम में ऐसे ही देखते। ये देखो इकरा आ गई, साउंड सुनो 1 2 3, ये भाई आ रहा ना साउंड, ये एक्चुअल भाई भी फुल और मेरा था। तो भाई मज़ा आया था बच्चे जब मिले, कैसा लगा बच्चे जब मिले भाई, वही बात है भाई, जब बच्चे मिलते हैं तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है इनको देख कर कि भाई अपना ब्लॉग और डे बन जाता है मेरी जान। जब और ये लौंडे पागल हो बड़े, हाँ तो सारे जी एफ आर पे लीन मारे जा रहे हैं, साइबर सिटी पे, साइबर सिटी को ट्रैक रोड बना देते, ट्रैक ये ट्रैक बना देंगे कि 3 दिन मानो यहाँ पर गाड़ी नहीं चलेंगी, बाइक से चलेंगी। और सही बता रहा हूँ ये लौंडे खतरनाक है, दिल्ली के कड़क लौंडे भाई, वही तो बात है। आगे अपना आप देखो यहीं खड़े होते दोबारा क्राइम, सब का वेट करते फोन कौन आता है, ये भाई रिएक्शन मिल रहे, क्या बात है इकरा पे भाई। इकरा वन ऑफ द इंडिया में एक ही है जो इतनी लोडेड है और काफ़ी कस्टमाइज कर भी है, काफ़ी मॉडिफाइड की भी है, और बहुत अच्छी बना रखी है अक्षय भाई ने हमारे। यार ये भाई ये कौन है, अरे ये कौन है, चलो जी अभी दिखाते हैं, लाइनअप चेक करो बड़े भाई, भाई सारे आ रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो भाई 7 किलोमीटर रह गए पीछे, क्योंकि 3 बंदे हैं बहुत आगे चलते हैं। ये बंदा ये मेरी चले, ये जो खड़ा था रेड के ना ब्लू बाइक पे बैठा है, जो राइडर बैठा है भाई, रिएक्शन देख रहे हो अंकल लोगों के भी, भाई तगड़े रिएक्शन भाई, रिएक्शन हवाई इकरा पे। यार इकरा बहुत लोडेड है, कार्बन फाइबर का कपड़ा है, ठीक है, बैक लाइट नहीं है, सिंगल सीटेड है, और दोनों एग्जॉस्ट लगे हुए जो ऊपर को लगे पड़े हैं भाई, किसी GT में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, GT में ऊपर लगा रखे भाई ने, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन करा रखी है, हैंडल पीछे से अच्छी से वगैरह बहुत सारा चेंज किया भाई ने, इसका वेट हल्का भी कर रखा है जहाँ तक मुझे पता है। ये लो जी ये तो होगा जी माना स्टार्ट, देखो देख रहे हो सामने, देखो ये देखो, ये भाई नीट टच करते हैं अपने लोंडे, हम तो कर ही नहीं पाते बट अपने लोंडे तो कर सकते हैं भाई, ये बात है कुछ भी दिन बनाए थे लोंडे कुछ भी कहो, ये भग रहे भाई देखो तो भाई, मैं तो 120 चल रहा हूँ, 160-170 लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है भाई सही भाई भाई 170-180 तो भाई पक्का वो क्रॉसेबल कर रहे हैं जहाँ तो मुझे लगता है। तो भाई अभी एक वीडियो लग रही है सामने देखो, और अभी आगे निकल रही है, ये भैया चालू हो गए हैं 1 2 3, ये और जा रहे हैं अभी एक राउंड मारने, तरह कहीं फोटोशूट क्लिक करवाने के लिए, हमें फोटोशूट होना था तो वो जरा वहीं जा रहे हैं भैया वगैरह का, तो ये लो भैया, तो भैया रेस बना रहे हो, रेस चला रहे भैया, रेस थोड़ा और ही जो डाउनलिंग हो के चला रहे हो पूरे चलो कोई नहीं। तो भाई ब्लॉग कैसे लगा ये बताना, ठीक है, अगर भाई अभी जा रहे हैं जरा काम से और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाएंगे, और जैसे ही काम वाम हो जाएगा, अभी राइडर पैडाइस से तो निकल गया भाई आज ब्रेकफास्ट हो, बट राइड भी ठीक ठाक थी, तो जी थोड़ा छोटल तो कितनी बाइक खड़ी है भाई, क्या बात है भाई, थोड़े से छोटल भी फुल रहता भाई, ये तो ठीक आता है भाई, यहाँ पे जितने भी कैफे बढ़िया है ठीक है, बट टेस्टेबल नहीं है राइडर पैडाइस, बट कैफे बनाउट अच्छा है, खाने में भी टेस्टेबल है, बट उसका रेट हाई है, बट थोड़ा छोटल भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई ये भी राइड चल रही है, और राइड बढ़िया चल रही है जी, ये भी चले रहे हैं, ठीक है जी,
ब्लॉग तो चल ही रहा है अपना बढ़िया। कहते हैं ना बस आज का दिन काफ़ी अच्छा था, पर ब्लॉग भी काफ़ी अच्छे हुए हैं ऐसा नहीं है, बट वो मज़ा नहीं आया यार आज। जो ने सोचा था ना कि जो मज़ा आज आएगा, बट वो फील और मज़ा नहीं आया आज। तुझे बताना ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और ब्लॉग में जो चीज़ अच्छा लगा तो वो ही बताना जी ब्लॉग में क्या अच्छा लगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून फास्ट हो गए। और लास्ट ब्लॉग कैसा लगा जिसमें रिएक्शन आया, तो रिएक्शन वक्त आते वक्त कैसी चीज़ लगी तो वो बताना। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून, ऑल ऑफ यू।